नमस्कार, नारी शक्ति कार्यक्रम में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज का विषय साहित्य धारा में नारी चेतना। आज अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस है। आसमान से लेकर समुन्दर तक हर क्षेत्र में नारी है कामयाब। नारी समाज में नारियों को सम्मान देने और उनके उपलब्धियों का सम्मान देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस मनाया जाता है। तो चलिए, आज का कार्यक्रम का आगाज तो कर दिया, आज के मेहमानों से रूबरू कराते हैं आपसे। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है दो कवियत्री, एक है रुचि बहुगुना उनियाल और एक है श्रीमती उषा झा। आप दोनों को बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में। रुचि जी, आपसे पहला सवाल ये पूछना चाहेंगे कि आप विज्ञान की छात्रा थी, इसके बाद आपने साहित्य में रुझान लिया और आपने इंग्लिश में एमए किया, फिर सोशियोलॉजी में भी एमए किया और तो और आपने डी फार्मा भी किया। तो ये जो आपका जो इतना मल्टीफेसिटेड पर्सनालिटी है, तो ये जो कविता लिखने का जो सफ़र, कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे आपको ये रुझान हुआ? सर्वप्रथम मैं दूरदर्शन और आपका, अपने साथी कवि का मैं स्वागत और धन्यवाद देती हूँ। और आपने पूछा कैसे मेरे जीवन की शुरुआत हुई, तो छुटपन में जब 9th 10th में रहे होंगे तो लिखना शुरू हुआ, लेकिन चूँकि साइंस साइड रही तो माता पिता का प्रेशर पढ़ने में ज़्यादा था, ट्यूशन में जाती नहीं थी, तो छुप छुप के लिखना पढ़ना होता था, क्योंकि अगर शायद मैं सामने लिखती या पढ़ती साहित्य तो निश्चित रूप से मुझे डांट पड़ती कि अपनी किताबें छोड़ के मैं इधर उधर हूँ। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब MKP से मैंने BSc किया, तो MKP में लाइब्रेरी में जाके अज्ञे, निराला और धूमिल ये सब हम पढ़ते थे, मतलब साइंस होने के बावजूद मैं साहित्य में रुचि रखती थी। तो धीरे धीरे जो है वो लिखना, उस समय अपरिपक्व कविताएं होती थी, धीरे धीरे उनमें परिपक्वता आई जी, तो वहीं से शुरुआत हुई, वहीं से शुरुआत। हाँ। उषा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज जैसे विश्व नारी दिवस मनाया जा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे कि आज का जो विशेष दिन है, नारी की योगदान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? नारी दिवस क्यों मनाया जाता है? स्त्री पुरुष, नारी और पुरुषों के बीच असमानताएं, बंदिशें और कुप्रथाओं को दूर करने के लिए नारी दिवस मनाया जाता है। वैदिक काल में नारियों को समानता के अधिकार थी, वो हर क्षेत्र में कामयाब, चाहे वो शिक्षा हो, राजनीति हो, यज्ञ हो, हर क्षेत्र में उनकी सहभागिता रहती थी और उन्हें बराबर का दर्जा माना गया था, जैसे कि विद्योत्तमा, मैत्रेयी, गार्गी, कामायनी, सभी विदुषी महिलाएं रही हैं। कालांतर में महिलाओं पर बंदिशें थोपी गई, सती प्रथा, बाल विवाह, दहेज, लिंग भेद, इस कारण से उसे दोयम दर्जा हासिल हुआ। लेकिन आज की नारी कदम से कदम मिलाकर हर क्षेत्र में कामयाब है, हर क्षेत्र में वो पुरुषों के बराबर कदम से कदम मिला के चल रही, चाहे अंतरिक्ष हो, राजनीति हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, फिल्म हो, खेल हो, हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ रही हैं और अपना झंडा गाड़ रही हैं, जैसे कि PT उषा, कई सारे, हाँ, अवनी चतुर्वेदी, कल्पना चावला। और राजनीति, तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि नारियों को कुछ बाधाओं का सामना करना पड़े? जैसे नारियां तो कामयाब होती हैं, नारियां बिल्कुल जैसे करना है तो अटल हो के करती हैं, मगर कुछ कुछ परेशानियों का भी कुछ सामना परेशानी करना हो रही है जी। जो कि हमें समाज से और परिवार, कुछ परिवार जो है सो बंदिशों में अभी भी बंधे हुए हैं, लिंग भेद करते हैं जी, और जो नहीं होना चाहिए। जहाँ समानता का अधिकार दिया गया है, बेटा और बेटी में या नहीं फर्क समझा गया, वहाँ जरा सा भी कमतर नहीं है नारी। वो बेटा अगर डॉक्टर है तो बेटियाँ भी डॉक्टर और IAS बन रही हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। साहित्य के क्षेत्र में भी नारियाँ बहुत अच्छा कर रही हैं, शुरू में तो करती थी, बीच में बंदिशों के कारण से वो फंस गई, दोयम दर्जा हासिल हुआ, लेकिन आज की नारियाँ, मैं ये कहती हूँ कि कुछ
घटनाओं को छोड़ दीजिए, समाज के इक्के दुक्के लोग, बहुत घटनाएं हो रही हैं, हमें उस पर फोकस नहीं करना है। नारी की कामयाबी का झंडा कैसे उगाड़ रही है, आगे बढ़ रही है, तो हमें उस बारे में बात करना है। जी रुचि जी, आपसे मेरा अभी दूसरा सवाल यह है कि जैसे कि वसंत ऋतु को कहा जाता है कि कवियों के लिए और जैसे प्रेमिक प्रेमिकाओं के लिए वसंत ऋतु को बहुत माना जाता है, आपका जो रचना आपने लिखा ढाई अखर जो अभी अभी हाल में वो प्रकाशित हुई है, उसके बारे में ज़रा दर्शकों को बताएं। देखिए, प्रेम के विषय में कहा जाता है कि प्रेम जैसी एक भ्रांति फैली हुई है कि प्रेम जो है वसंत ऋतु में है या फाग का महीना आया तो प्रेम जो है उमड़ पड़ा, ऐसा मैं नहीं मानती हूँ। जो मनुष्य एक प्रजाति, ईश्वर ने धरती पे सबके लिए समान स्थान दिया, सबके लिए समान समय नियत किया, लेकिन मनुष्य एक ऐसी प्रजाति है जो अपने बुद्धि विवेक से हर काम करने में सक्षम है, इसीलिए वो बाकी प्रजातियों से श्रेष्ठ प्रजाति मानी गई है क्योंकि उसके पास विवेक है। तो मैं ऐसा मानती हूँ प्रेम के विषय में, प्रेम प्रत्येक ऋतु प्रत्येक मौसम में, प्रेम एक ऐसी ऐसी भावना है जिसके लिए कोई समय, कोई तिथि, कोई मौसम, कोई ऋतु कोई मायने नहीं रखती है, विशेष रूप से जब वो बात मनुष्यों के ऊपर हो रही हो, क्योंकि जो बाकी प्रजातियां हैं, पशु पक्षी हैं, उनके लिए प्रेम कहना, वो प्रेम, उसको प्रेम का दर्जा देना वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि मनुष्यों का प्रेम जो है वो सिर्फ शारीरिक स्तर पे नहीं होता है, वो मानसिक स्तर पे भी होता है। तो जो वो मानसिक स्तर का प्रेम है उसके लिए कभी भी किसी ऋतु या किसी मौसम की मेरे हिसाब से कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि वसंत, और वैसे भी प्रेम केवल प्रेमिक के लिए प्रेमिका के लिए नहीं होते, प्रेम तो प्रकृति से हो स्त्री सकती का प्रेम है। जो है आप जब आपके सामने एक स्त्री कवि बैठी है जी, तो मैं ऐसा मानती हूँ कि स्त्री का जो प्रेम है वो बहुत वृहद स्तर का होता है जी। उसके लिए प्रेम सिर्फ ये नहीं है कि प्रेमी प्रेमिका का प्रेम है, भाई बहन का प्रेम है, स्त्री का प्रेम बहुत वृहद स्तर का होता है, उसका प्रेम मूर्त अमूर्त से बाहर होता है, मूर्त और अमूर्त के भेद को खत्म करता है, वो स्त्री का प्रेम है। यदि आप ही मान लीजिए कि आपके घर में 100 कटोरियां हैं, उसमें से 2 कटोरी किसी के घर में, किसी और के घर में होंगी, तो आप जो है 1000 कटोरियों के बीच में भी अपनी 2 कटोरियां पहचान सकती हैं, ये स्त्री का प्रेम है। वो अपने घर की हर एक चीज से प्रेम करती है जी, हर एक संबंध से प्रेम करती है, यहाँ तक कि पशु पक्षी से प्रेम करती है, पेड़ पौधों से प्रेम करती है। क्या बात? स्त्री का प्रेम बहुत वृहद होता है। क्या खूब! और उससे बड़ी बात कि जब प्रेम के विषय में कवि से पूछा जाए तो वो तो ऐसा ही आंसर देगा आपको कि वो जो है बहुत वृहद स्तर का प्रेम होता है, उसको किसी हम ऋतु में नहीं बांध सकते हैं। जी 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 जी। उषा जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, और जैसे कि आपके जीवन में अगर कोई है ऐसे रोल मॉडल तो उनके बारे में ज़रा बताएं, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं नारी शक्ति की। साहित्य मुझे, साहित्य की पृष्ठभूमि मुझे पिता से मिली है। मैं शुरू में डायरी में बाल्यकाल से लिखती रही, लेकिन पिता के मरणोपरांत सोशल मीडिया के बहुत सारे उत्कृष्ट पाठशालाओं से जुड़ने का मौका मिला, और वही बहुत वरिष्ठ, बहुत उम्दा रचनाकार के लेखन को देख करके मन में जिज्ञासा जगी कि मैं भी इस तरह के छंद सीखूं और इस शिल्प को समझूं। वही मुझे सीखने का मौका मिला उन लोगों से, और मैं लगातार इस पे काम कर रही हूँ, जो छंद की साहित्य के सबसे कठिनतम विधा है जी, क्योंकि आपको उतने ही शब्द में, उतने ही उसके जो नियम कायदे हैं उसमें बांध के आपको भाव भी दर्शाना है जी। लिख देना, मात्रा बिठा देना, छंद तो हो जाएगा पर उसका कोई मतलब नहीं है, तो उस चीज़ को सीखने के लिए बहुत तपस्या की ज़रूरत होती है, साधना की। इसलिए मैंने अभी साधना के सोपान एक भी पुस्तक भी अपना प्रकाशित किया है जी। तो कुछ अपने रचनाएं अगर सुना सकते हैं हमारे दर्शकों को। तो मैं वहाँ पे बहुत सीखी, और प्रेरणा तो पापा ही हैं मेरे। अच्छा। अभी भी और उन बाद में, वो अंग्रेजी साहित्यकार थे, विद्वान थे, और मैं बहुत सारे मंचों पर, पाठशालाओं, मंच, फेसबुक मंच के द्वारा मुझे पाठशालाओं से जुड़ने का मौका मिला, जहाँ मैं शिल्प पे काम कर रही हूँ, लगातार करती रहूँगी। अच्छा। और मैं गीत भी लिखती हूँ। क्या बात! और है।
इस पे अपने धुन भी देती हूँ। अच्छा, तो जी तब तो आज जरूर हम कुछ सुनेंगे भी आज जी। तो पहले आप क्या करना चाहेंगे, पढ़ के कुछ सुनाएंगे या फिर गा के सुनाएंगे? एक मैं गा करके थोड़ा सा सुनाती हूँ, फिर मैं नारी पे ही, चूंकि अच्छा। आज नारी दिवस है जी जी, तो उस पे ही मैं रचना। बिल्कुल, क्या बात है, चलिए। जगत की नारी ही श्रृंगार, सृष्टि की सुंदरतम उपहार, सदा यह देती जीवन जीव, गेह की नारी ही है नीव, ज्ञान की अनुपम है भंडार, प्रणय का मीठा सा संसार, ज्ञान की अनुपम वह भंडार, प्रणय का मीठा सा संसार, रमा गौरी दुर्गा अवतार, जगत की नारी ही श्रृंगार, गेह बिन नारी है श्रीहीन, मनुज क्यों उसको समझे हीन, उड़े गगन कोई पर ना काट, चांद पर पहुंचे मुदित ललाट, तौल कर बोलो हरदम बोल, मधुर बानी देती रस घोल, प्रीत देती है जीवन सवार, जगत की नारी ही श्रृंगार, सृष्टि की सुंदरतम उपहार, जगत की नारी। बहुत बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपने लिखा भी है, अपने सुर भी दिया और आपने गा के भी सुनाया। तो रुचि जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज हम नारी शक्ति, नारी के योगदान के बारे में बात कर रहे हैं, तो जैसे कि नारी का योगदान साहित्य में किस रूप में हुआ है अब तक? मैं ऐसा समझती हूँ कि सोशल मीडिया के आने से निश्चित रूप से नारी चेतना के स्वर को काफ़ी मुखरता मिली है जी। निश्चित रूप से नारियाँ आगे आई हैं लिखने पढ़ने के मामले में, परंतु ऐसा नहीं था। आप अक्क महादेवी देखिए अंडाल, कितनी आप बड़ी बड़ी हमारे देश में इतनी अच्छी लेखिकाएँ, कवित्रियाँ हुई हैं, महादेवी वर्मा हुई हैं, आपके गौरापन शिवानी हुई हैं, पहाड़ से तो इतने अच्छे अच्छे नाम जो है साहित्य को मिले हैं जी। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि साहित्य को, साहित्य सृजन में महिलाओं का बहुत विशेष योगदान है। उसको नज़रअंदाज करना या उसको एक तरह से बेदखल करना वो जो है कहीं से भी उचित नहीं है। उससे भी बड़ी बात ये मैं मानती हूँ कि जब बात कविता की, एक कवि की बात आती है, तो कविता जो है, देखिए रुदन के जो स्वर है उससे कविता का जो है जन्म हुआ। तो कविता अनिवार्यता, अनिवार्यता स्त्री विमर्श है। कविता अपने आप में, कविता शब्द ही अपने आप में जो है नारी चेतना का शब्द है। तो कविता या लेखन या साहित्य में स्त्री चेतना और स्त्री जो स्वर है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बहुत स्थान उसका है, ये ऐसा मेरा मानना है। जैसे मैं एक छोटा सा, ये जैसे कि आपने सोशल मीडिया के बारे में बताया कि सोशल मीडिया के जरिए हम पलकों में कई सारे विषय पर पढ़ भी सकते हैं, जान सकते हैं, तो क्या आज लोग किताबें कम पढ़ते हैं? मैं ऐसा मानती हूँ हाँ। जब बहुत ज़्यादा घास हो जाती है, बरसात के दिनों में बहुत घास हो जाती है जी, तो वो जो घास होती है वो जितनी जल्दी उगती है, तो हमारे पहाड़ में कहा जाता है कि चार घाम लगे तो चार घाम लगते ही वो सूख जाती है। लेकिन जो पेड़ हम सींचते हैं, पालते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, वो हर मौसम को, हर मौसम की मार को झेलता है जी। तो वो जो जो पेड़ है, आप उसे ये समझिए कि वो ऐसा साहित्यकार या ऐसा पाठक है जो निरंतर अपने उसमें जो है पुस्तकों का जो है आस्वाद ले रहा है, पुस्तकें पढ़ रहा है। और जो सामान्य जो पाठक है, आप ये देखिए कि सोशल मीडिया में हरी बत्ती बंद हुई तो आप हर चीज़ से कट गए जी। आपका इंटरनेट बंद हुआ तो आपको जो है जितना आपके पास ज्ञान था वो सब वहीं चला गया, उसके बाद आपको कोई मतलब नहीं है, या आपका पढ़ना लिखना बंद हो गया। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि हाँ, बहुत कुछ अच्छा भी हुआ है, बहुत, लेकिन ज़्यादा खराब हुआ है।
बहुत ज़्यादा घास हो जाती है तो वो जो है अच्छी फसल को बर्बाद कर देती है। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बहुत सरल तरीके से समझाया, क्या बात है। उषा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि हिमालय अंचल के साहित्यकारों में से आप किन नामों का उल्लेख करना चाहेंगी? मैं हिमालय अंचल तो मैं पंत जी का नाम लेना चाहूँगी, जो बहुत हमारे छायावाद के प्रथम मजबूत स्तंभ थे वो जी। प्रथम तो नहीं कह सकते जी। चार थे तो चारों ही वो स्तंभ हैं। और वैसे बहुत सारे हिमालय में आए हैं, पर मैं बिहार से आई हुई हूँ। अच्छा, तो मैं अपने दिनकर जी का नाम लेना चाहूँगी, क्या बात, जो कि उस धरती के हैं। जानकी वल्लभ शास्त्री को लेना चाहूँगी, और हम उस मैं रेणु की धरती से हूँ, मैं फणीश्वर नाथ रेणु को जानती हूँ, मेरा टाइटल भी रेणु है। और हर जगह कविता है, पहाड़ क्या हिमालय क्या, प्लेन से भी हिमालय में लिखने आते हैं। हम गृहस्थ आश्रम में हैं पर हमें वानप्रस्थ में जाकर के लिखना पड़ता है। चाहते हैं कि उसके लिए बहुत सुकून चाहिए। हिमालय तो सबका प्रिय है, हम भी जो अधिक जो लिखे हैं तो रुद्रप्रयाग की पोस्टिंग पे लिखे हैं बहुत जी सारी रचना है। तो ऐसे दिन का या रात का कोई विशेष समय है जिस समय आप लिखती हैं? हम तो लेखन हमेशा करना चाहते हैं, फंस जाते हैं जब नहीं लिख पाते हैं दिन में, तो रात 3 बजे भी लिख सकती हूँ। अच्छा, क्या बात, 4 बजे भी लिख सकती हूँ। लेखन नहीं कर पाती हूँ तो ऐसे लगता है कि कुछ आज छूट गया, कहीं मैं खोई सी रहती हूँ। जी, जब बच्चों को पाल रही थी तो उसमें डूबी, और जो अब लेखन में पड़ी तो चाहती हूँ इसी में डूबती चली जाऊँ। क्या खूब, बहुत खूब कहा आपने। मैं नारी शक्ति की बात हम कर रहे हैं, साहित्य के साथ संबंध नारी का वो भी बात हम कर रहे हैं, तो आप और आगे क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से हम नारी, जो हम कहते हैं ना कि नारी है दुर्गा, नारी है काली, नारी है माता, है ना, नारी उतना ही शीतल है पानी के तरह और उतना ही बुलंद है और उतना ही सहनशील है धरती की तरह, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब स्त्री चेतना की बात हो रही है और नारी दिवस हम मना रहे हैं, तो यहाँ साहित्य में बोलना, साहित्य में किसी बात को करना, वो बड़ा सरल है। मैं ऐसा मानती हूँ, मैं भी महिला हूँ और घर में मेरे भी एक बेटी एक बेटा है। लेकिन आप अपने घर में देखिए, आपके घर में अगर छोटा भी बेटा आएगा तो वो अपनी बड़ी बहन को आकर के हुक्म दे सकता है कि जाओ मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आओ। आप कभी भी यहाँ से यहाँ बिठा दिया गया है कि लड़की को ऐसे, दरअसल लिंग भेद या जो लिंग असमानता है वो सब हमारे विचारों में, आचरण का लिंग, आचरण में लिंग भेद, व्यवहार में लिंग भेद, शिक्षा में लिंग भेद। आपने कभी शिक्षा में सुना कि राम, आपने हमेशा देखा होगा जब पढ़ाया जाता है तो वहाँ कहा जाता है राम स्कूल जा, राधा खाना बना। कभी क्यों नहीं कहा जाता कि राम खाना बना? कभी पढ़ाया गया कि राम झाड़ू लगा? क्या बात ये तो सामान्य बात है कि ये जो है वहीं से हमारे उसमें जो है लिंग असमानता, ये शिक्षा का लिंग भेद है। आचरण में लिंग भेद, लड़कियों को कहा जाता है कि आप जोर से मत बोलिए, आप जोर से मत हंसिए, ऐसे दुपट्टा ओढ़िए। लड़कों को क्यों नहीं कहा जाता रात को 1 बजे क्यों आए? ऋषि जी, आपके कुछ रचनाएं अगर हमारे दर्शकों के लिए। इस कविता का शीर्षक है पहाड़ की औरतें, पहले कविता संग्रह से है। पहाड़ की औरतें सूरज को जगाती हैं मुंह अंधेरे, बनाकर गुड़ की चाय और उतारती हैं सूर्य रश्मियों को, जब जाती हैं धारे में भर लेती हैं सूरज की किरणों को, जब भरती हैं बंठा धारे के पानी से। पहाड़ की औरतें रखती हैं सूरज के लिए कुछ पल आराम के, पहाड़ की औरतें रखती हैं सूरज के लिए कुछ पल आराम के, भरी दोपहरी में सुस्ता लेता है भास्कर, भरी दोपहरी में सुस्ता लेता है भास्कर, पहाड़ी औरतों के सिर पे रखे घास के बोझ तले। और सांझ को जब गोधुली बेला में आते हैं पशु पक्षी अपने आशियानों में लौटकर, तो सूरज को भी कर देती हैं विदा अपनी रसोई में चूल्हे की आग जलाकर। पहाड़ी औरतें रखती हैं बनाकर यादों को कुटियारी,
और जब कमर झुक जाती है उनकी तो समून बनाकर सौंप देती हैं वो कुटियारी अपने नाती पोतों को। पहाड़ी औरतें असमय ही हो जाती हैं बूढ़ी, क्योंकि उन्हें होता है तजुर्बा चढ़ाई का और रपटीली ढलानों का भी। पहाड़ की औरतों के चेहरे की झुर्रियों में पूरा पहाड़ दिखाई देता है। क्या बात, क्या बात। पहाड़ की औरतों के चेहरे की झुर्रियों में पूरा पहाड़ दिखाई देता है, लदा होता है उनके कांधों पर बोझ पहाड़ जैसा। पहाड़ की औरतें नहीं डरती चढ़ाइयों को देखकर, यूं ही नहीं घबराती उतरती रपटीली पगडंडियों पर चलने से, क्योंकि वो रोज ही भरती है कुलांचे किसी कस्तूरी मृग सी उन रास्तों पर। असल में पहाड़ी औरतें रखती हैं एक पूरा पहाड़ अपने अंदर। असल में पहाड़ी औरतें रखती हैं एक पूरा पहाड़ अपने अंदर। उनके गुठियार में लिखी होती हैं पहाड़ की पीड़ाएं, उनके गुठियार में लिखी होती हैं पहाड़ की पीड़ाएं। यहाँ एक बिंब आया है, क्या पहाड़ की औरतें रोज ही भरती हैं कुलांचे किसी कस्तूरी मृग सी। असल में जब बात स्त्री विमर्श, स्त्री चेतना और आज नारी दिवस पे हो रही है जी, तो ये मैं यहाँ से कहना जरूर चाहूंगी कि स्त्रियां जो हैं असल में कस्तूरी मृग के जैसी ही होती हैं। उनको अपने अंदर की शक्ति को पहचानने की, उस कस्तूरी की सुगंध को पहचानने की आवश्यकता होती है। तो ये जो है इस कविता में ये बिंब आया, मुझे लगा कि ये बिंब जो है जरूर कहना चाहिए। बिल्कुल, बहुत खूब आपने लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। उषा जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपने जो अपने आपका जो रचना है, आपके जो कविताएं हैं, उसमें सिर्फ केवल आपने हिंदी में लिखा है या फिर कुमायनी या फिर गढ़वाली कोई तो शब्द? बिहार की हूँ, हमारी मातृभाषा मैथिली है, तो मैथिली में मैंने इक्के दुक्के लिखे हैं। अच्छा। पर हिंदी में मैंने रचा। तो कुछ पढ़ के सुनाएंगे जी? मैं एक आज की बेटियां जो कल नारी बनेंगी जी, और सबके लिए मैं एक रचना लाई हूँ, उसको मैं जरूर पढ़ना चाहूँगी प्रेरणा के लिए। दो चार लाइन आप सुना दीजिए जी। बेड़ियां तोड़ ली नारी ने, घर से चौक खट से बाहर निकल गई। बेड़ियां तोड़ ली नारी ने, घर के चौकट से निकल रही। नया जमाना देखो आया, आदत अपनी बदल रही। देखो शौक लाडली के, अब खेलती है जुड़ो कराटे। पढ़ने में होशियार सूत तो बिटिया भी कान काटे, बिटिया के भी कान काटे। खुद भविष्य के फैसले करती वो नए युग संग चल रही। नया जमाना देखो आया, आदत अपनी बदल रही। खोल रही अपनी हथकड़ियां। नव पंख लग गए पैरों में, अब जुल्मो सीतम नहीं सहेगी, अब जुल्मो सीतम नहीं सहेगी। क्यों अबला बन रहे घरों में, बेड़ियां तोड़ ली नारी ने, घर के चौकट से निकल रही। बहुत खूब देख घर ऑफिस भी संभाल रही। निभाती सभी जिम्मेदारी, करना अपमान नरेन का। नर को टक्कर देने खुद ही घर से बाहर निकल रही। बहुत खूब बहुत सुंदर। तो कार्यक्रम का आखिरी पड़ाव में हम आ चुके हैं जी। तो रुचि जी, बहुत ही संक्षिप्त में हमारे दर्शकों के लिए, जैसे आज की जो नारी है
इनको क्या करना चाहिए, किस तरह से सोचना चाहिए आज की माताओं के भी, क्योंकि अभी भी हमारे घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी समाज में ऐसी प्रथाएं हैं जिसके लिए टैलेंट होने के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ पाते, तो आप क्या कहना चाहेंगी इस पर? मैं ये कहना चाहूँगी इस पर कि सबसे पहले हमें अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है। जब बेटी और बेटा दोनों, आज भी आप दिनकर की धरती से हैं, तो महाकवि दिनकर लिखते हैं कि धन्य धन्य वो एक लाल की माई जिसने जना भरत सा भाई। एक स्त्री की धन्यता, एक स्त्री की महत्ता आज भी एक संतान पैदा करने तक सीमित है, उससे भी ज़्यादा उसकी जो धन्यता है वो एक बेटे को पैदा करने तक है। जब तक उसको बेटा पैदा नहीं होता तब तक वो स्त्री नहीं कहलाएगी जी। जब राष्ट्र कवि महाकवि दिनकर ये लिख रहे हैं, तो चाहे वो साहित्य हो, समाज हो, सोच हो, संस्कार हो, हमारा घर हो, बाहर हो, परिवार हो, हमें सब जगह समानता और एक तरह से कहेंगे कि सम्यक भाव रखते हुए दोनों को एक जितना मौका देने की आवश्यकता है। क्या बात है। तो आप दोनों को, उषा जी, रुचि जी, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे स्टूडियो में आए और इस नारी शक्ति कार्यक्रम में इतने अच्छी तरह से आप लोगों के रचनाओं को भी सुनाया, दर्शकों के सामने पेश किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए जी। तो दर्शकों, नारी शक्ति कार्यक्रम आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर आपके सामने उपस्थित होंगे कोई और नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।